ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने इजराइल पर पिछले करीब 10 महीनों का सबसे बड़ा हमला किया है। आतंकी संगठन ने शनिवार को लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है जबकि करीब 30 घायल हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच है। हमले की सूचना मिलते ही अमेरिकी दौरे पर गए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत देश लौट आए हैं। हिजबुल्ला ने शुरुआत में इस हमले की जिम्मेदारी ली, हालांकि कुछ देर बाद ही वे अपने इस बयान से पलट गया। इजराइल की सेना IDF ने कहा कि हमला फलक एक रॉकेट से किया गया है जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिजबुल्ला करता है। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इसमें अब कोई शक नहीं है कि हिजबुल्ला ने सारी हदें पार कर दी हैं। हम इसका जवाब जरूर देंगे। हम आतंकी संगठन के साथ जंग शुरू होने के बेहद करीब हैं।